पूरा। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 8:30 और हम उठ चुके हैं और हमारा रात का काम हो चुका था और अब सुबह चाय पी रहे हैं फटाफट से। मौसम का अपडेट दे दो सर। मौसम अभी सुबह तो मीठा मीठा है, ठंडा ठंडा मौसम है, काफ़ी सुहाना मौसम, बहुत अच्छी हवा चल रही है, धूप अपना टेक ऑफ कर रही है धीरे धीरे। हाँ, अभी टाइम लगेगा और जगह कुछ ऐसी है, ये है आसकंद्रा विलेज। कल रात को तो हम दिखा नहीं पाए सही से, तो हम पहुंचते ही यहाँ आके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने लग गए थे और फिर वहीं टाइम हो जाता है खाने पीने का, तो आगे हमने वहीं किया जो हम हमेशा करते हैं, डाटा कॉपी आके डाटा कॉपी किया, थोड़ा काम लगाई, दुकान लगाई, तो डाटा कॉपी करने में रात हो जाती है। हाँ, तो आज का प्लान है क्या? आज का प्लान ये है कि एक्सप्लोर। हाँ, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे आसकंद्रा को और यहाँ की चीज़ें देखेंगे और सुनेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। मतलब बेसिकली हम आज रेकी करने वाले हैं। रेकी को बोला जाता है कि जब आप, जिसको नहीं पता है रेकी क्या होती है, रेकी हम पहले किसी भी जगह का पूरा ऑब्जर्व करते हैं, मुआयना, हिंदी में मुआयना बोल सकते हैं, मुआयना करेंगे आज। तो आज ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बट हम रेकी करेंगे पहले और चीज़ें लिस्ट डाउन करेंगे। तो यही कुछ प्लान है। और यहाँ के घर आप देखोगे पत्थर से बने होते हैं, बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं और बेसिकली मतलब जैसे सीमेंट का उपयोग नहीं होता है यहाँ पर, पदरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मतलब जैसे मैं पहाड़ी हूँ तो मेरे को भी पता है कि हमारे वहाँ भी जैसे पत्थरों के घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, टेम्परेचर आपका इंसुलेट होता है, तो ठंडा रखता है। हाँ, घर को ठंडा रखता है। तो अगर बाहर गर्मी है तो अंदर ठंडा होगा, अगर बाहर ठंडा है तो अंदर गर्म होगा। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वज देखे गए थे जो ये शहरों में बिल्कुल ख़राब कर दी है अंग्रेज़ों ने। तो आप जाओगे अगर जैसे मेट्रो सिटीज़ में आपने देखा है सीमेंटेड प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हीट करता है। तो ये एक फालतू का ज्ञान था जो मैंने सुबह सुबह दे दिया। ये है प्यारा सा गांव और ये है एक प्यारे से व्लॉगर। बदला नहीं, मैंने तारीफ करी है यार, क्या बात कर रहे हो। मैंने बोला ये है एक प्यारा सा गांव, ये है एक प्यारा सा व्लॉगर। प्यारे से गांव में इसकी हालत देखिए जरा, बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही है। तो चलिए अब दिखाते हैं आसकंद्रा आपको ऊपर से। काम पे लग गए हैं।
सो फाइनली अब वो घड़ी आ गई है जब हम बाहर जाएं और धूप का सामना करें। तो उससे पहले थोड़ी तैयारी हो जाए, थोड़ी सनस्क्रीन लगा लेते हैं क्योंकि आके हमें वैसे नहाना ही है, छोटा सा काम है मेजरमेंट का। सो गाइस, बातों बातों में हम भूल ही गए कि हमने आपको बताया नहीं कि यार हम स्टे कहाँ कर रहे हैं, रुके कहाँ हैं। तो अभी हम सुमेर सिंह राठौर जी के घर पे रुके हैं जो कि ललित सर के दोस्त हैं। तो इनका घर ऐसा है कुछ जहाँ हम कल रात को आए थे। तो मेन लोकेशन हमारी यही है जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी बन रही है, इनके घर के साइड में बन रही है। तो ये इनका घर है, हमने घर भी नहीं दिखाया आपको शायद। तो ये सुमेर जी का ही घर है पूरा यहाँ से वहाँ तक, और यहीं पे उनके डैड और मॉम रहते हैं। तो वो अभी आने वाले हैं, कल परसों में आ जाएंगे तो उनसे मिलवाएंगे आपको। और ये ऐसा कुछ घर है। तो अभी चल रहे हैं मेजरमेंट लेने, तो फटाफट चलते हैं। तो अब आ गए हैं हम मेन लोकेशन पे जहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेटरी बन रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लोकेशन है, ये एरिया जो दिख रहा है आपको, यहाँ बनेगी एक छोटी सी ऑब्जर्वेटरी और यहाँ एक डोम बनेगा इसके ऊपर जहाँ पर हमारा कैमरा सेटअप और टेलीस्कोप सेटअप होएगा पूरा। तो ये ऐसी लोकेशन है, ये एरिया है जो पूरा ऑब्जर्वेटरी सेटअप का है, एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए और एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी देखने के लिए पूरा। पूरा डायमेंशन इसका हमने ले लिया है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से। और अब देखते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल के बारे में पता करते हैं और कहां से आएगा। वैसे जो भी मटेरियल है वो पोखरण से आएगा, तो पोखरण यहां से 60-70 किलोमीटर दूर है। तो सारा मटेरियल वहां से आएगा एक ही दिन में, मतलब सब डिसाइड करके जाना पड़ेगा ताकि हम एक ही दिन में हमें जाना पड़ेगा और वहां जाके सामान लाना पड़ेगा और छोटी सी फुटेज है इसकी क्योंकि बार बार नहीं जा सकते। चलो फिर मिलते हैं, ओके धन्यवाद, मिलते हैं। शाम का वक्त है भाई और हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए इन बच्चों के साथ। बोलो हेलो, हेलो। बोलो वेलकम टू द चैनल। तो अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पर और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एरिया कुछ ऐसा है गांव के साइड में। तो भाई ये बच्चे थोड़े एक्साइटेड हो गए हैं, एक बार दिखाओ कैसे झूलते हैं। ये और भी लोग आ गए हैं, कैसे हो? बढ़िया। तो भाई सनसेट होने वाला है अभी थोड़ी देर में और लाइट जाने वाली है। और ये देखो, देखो ना मेरा ये रेगिस्तान बहुत अच्छा, कैसा? बहुत ही बहुत अच्छा। हाँ, नंबर वन है। नंबर वन है तुम्हारा गांव? हाँ, बहुत बढ़िया गांव है आपका। तो इन बच्चों ने हमें थोड़ा सा गांव घुमाया यहाँ पर साइड में, और तालाब वालाब देखा हमने, थोड़े जानवर वानवर इस समय पानी वानी पीने आते हैं तालाब के आसपास। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि अंधेरा होने वाला है। थोड़ा बहुत घूमा हमने यहाँ पर, देखी जगह, एक दो और चीज़ें एक्सप्लोर करी, मतलब बच्चों ने ही हमें सब कुछ घुमाया है अभी तो टाइम कम था। तो अभी कल और भी घूमना है, मतलब और भी चीज़ें देखनी है अच्छे से। तो ये जैसा एरिया, ये जितना भी एरिया आज हमने आपको दिखाया, ये एरिया सारा गांव के साइड में है थोड़ा सा। ये गोपरों में पूरा अंधेरा आ रहा है। चलो आ जाओ सर, चलते, चलो सर आ जाओ, सूर्य अस्त हो गया है। Thank you.
चलो तो ठीक सर, अब मिलेंगे कल। हाँ कल मिलते हैं, बाय बाय बोलो, बाय बाय। बोलो जय माता दी। सो गाइस यही खत्म होता है आज का दिन, और अब हम थोड़ा डाटा कॉपी करते हैं और फिर हम खाना खाते हैं और फिर थोड़ा एडिटिंग पे बैठते हैं और फिर सो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये था हमारा आज का तीसरा व्लॉग, तो आई होप आपको पसंद आया हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करके ही जाना, और कमेंट भी करके जाना कि आपको कैसा लग रहा है, ये कैसी सीरीज़ लग रही है, व्लॉग कैसा लग रहा है, सब बताना। जो अच्छा लग रहा है, जो बुरा लग रहा है वो भी बताना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बुरा भी लग रहा है तो भी बताने का। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक या डिसलाइक जरूर करना है। हाँ डिसलाइक तो नहीं करना, लाइक जरूर करना। चलो बाय बाय, मिलते हैं, और गाना आने वाला है आपको पता है। बाय। छत का शॉट ले लिया है, छत से उतरने का टाइम आ गया, तो मैं यहाँ पर चढ़ गया था, अब उतर भी रहा हूँ, देखते कैसे उतरते हैं। ये यार सब कुछ दिखाने की ज़रूरत है क्या? नहीं दिखा रहा, मैं उतर रहा हूँ। ये देखो, बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। मज़ा आ रहा है? बहुत ही सुंदर आसमान। बाय बाय। अरे रुक जाओ भाई।